हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियोज में भूगोल का हम सेंटअप एग्ज़ाम 2025 जो 2025 में हो रहा है 24-25 सेशन वाले के भूगोल का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ, जो कि आपका 100% सही होगा। वायरल क्वेश्चन पेपर है ये, संभावित है इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आपके 70 प्रश्न होंगे क्योंकि यह प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको 35 क्वेश्चन टिक करने हैं, 70 में से 35। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस सेशन को लाइक कर दे, और नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, सभी लोग फटाफट मिलाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहले में हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, है ना। फिर इसका हो जाएगा सी, ग्रिफिथ टेलर। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो दू का हमारा बिल्कुल डी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो तीन में हमारा सही जवाब डी होगा, LNP सैंपल। चार है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो चार में हमारा डी हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो पांच में भी डी होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। छः नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जल स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो छः का ए होगा, शैक्षणिक सुविधाएं। सात नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सात का हमारा ए होगा, अफ्रीका में। आठ नंबर है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। तो आठ का हमारा सही है डी, 55 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो नाइन में हमारा बिल्कुल सही जवाब डी होगा, 15 से 59। दस नंबर जो सवाल है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो 10 का जो होगा आपका सही जवाब बी होगा, है ना। लेटविया का 11 है कि निम्नलिखित में से कौन विकास सूचकांक का मापक है। तो 11 में आपका सही जवाब डी होगा, उपयुक्त सभी स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। 12 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है। तो आपका 12 का आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। 13 है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि है जो है उच्चतम है। तो 13 का ए होगा, नॉर्वे। 14 है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो 14 में हमारा डी हो जाएगा, पुष्पोत्पादन। 15 सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। तो 15 में हमारा बी ऑप्शन होगा, डेनमार्क में। 16 है कि निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है। तो 16 का हमारा सही जवाब जो है ये है, रबड़। 17 है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो 17 का सही जवाब आपका बिल्कुल ही सही होगा, आदिम निर्वाह कृषि को। 18 है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो 18 का हमारा सही और सटीक आंसर जो है 18 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन होगा, लौह प्रगलन। 19 है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो 19 का डी हो जाएगा, जूट उद्योग। 20 है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो 20 का हमारा ए होगा, कागज उद्योग। 21 है, खनन क्रियाकलाप है। तो 21 में हमारा बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। 22 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। तो 22 का हमारा बिल्कुल सही है डी, है ना, ब्रह्मस्त्रोतन। अब चलिए यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। तो 23 में हमारा सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 24 है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो 24 का सही जवाब जो है ये होगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्र में। 25 है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्र पतन नहीं है। तो 25 का सी हो जाएगा, एथेंस। 26 है कि, है ना, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। तो 26 में हमारा सही जवाब जो है आपका सी होगा, औद्योगिक पतन। 27 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 27 में हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा, है ना, जिनेवा में। 28 है, चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल। तो 28 का सही जवाब पेरिस को लंदन से। 29 है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो 29 में हमारा सही जवाब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, वेनेजुएला। 30 है कि लैटिन अमेरिका इंग्रेशन एसोसिएशन LAIA का मुख्यालय कहाँ है। तो 30 में हमारा सी ऑप्शन होगा, है ना, मॉन्टेविडियो।
31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो 31 का हमारा ए होगा प्राथमिक, 32 है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, तो 32 का बी सही है हमारा, है ना, पीटर्सबर्ग। 33 है निम्नलिखित कौन सा इथोपिया की राजधानी है, तो इथोपिया की राजधानी सी हो जाएगा अदिस अबाबा। 34 है निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, तो यहाँ ए हो जाएगा सिंगापुर। 35 है निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, तो 35 का हमारा सही जवाब ए है कैनबरा। 36 है किस, है ना, भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो 36 का डी हो जाएगा चीनी तिब्बती। 37 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था, तो 37 का ए हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 38 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो 38 में सी हो जाएगा सिक्किम की। 39 है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो 39 में बी हो जाएगा बिहार। और 40 नंबर है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, अप्रवासी, तो 40 में हमारा सही जवाब बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। 41 है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, तो 41 का सही जवाब ये होगा ग्रामीण नगरीय। 42 है कि मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो 42 का हमारा डी हो जाएगा केरल, ठीक है। 43 नंबर है कि निम्नलिखित केंद्र प्रशासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो 43 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से इसको टिक लगा लीजिए, डी लक्षद्वीप। 44 है निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो 44 का जल्दी से टिक लगा लीजिए, डी भोपाल। 45 है निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, तो 45 का आपका बिल्कुल हिस्सी हो जाएगा सिंगरौली, है ना। 46 है हरित क्रांति का संबंध है, तो खदान उद्योग उत्पादन थे, 46 का ए सही है। 47 नंबर है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो 47 का सी सही है कॉफ़ी। 48 है निम्नलिखित राज्य में कौन चाय उत्पादक नहीं है, तो 48 का डी ऑप्शन सही है राजस्थान। 49 है निम्नलिखित में कौन खदान है, तो 49 का हमारा सी हो जाएगा मक्का। 50 है निम्नलिखित राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो 50 में आपका सही जवाब डी होगा हिमाचल प्रदेश। 51 है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 51 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी NH 44। 52 है जल है, तो जल क्या है, तो 52 का डी हो जाएगा, क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं, 52 का क्या होगा डी, चाहे इसको अजैव भी बोल सकते हैं। 53 है केंद्र सरकार हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो 53 में हमारा सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा जल संरक्षण से हरियाली वाला, हरियाली प्रोजेक्ट, ठीक है ना, तो जल संरक्षण से। 54 है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, है ना, तो तापीय ऊर्जा। 55 है हीरा कुंड परियोजना अवस्थित है, ओहो 55 थे नाम लोग, हीरा कुंड परियोजना स्थित है, तो आपका 55 में हो जाएगा ए ऑप्शन उड़ीसा। 56 है निम्नलिखित राज्यों में किसमें, है ना, कारा पारा नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो 56 का सही जवाब जो होगा सी है गुजरात। 57 है ना खेतड़ी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो 57 का हमारा डी हो जाएगा राजस्थान। 58 है बोकारो इस्पात केंद्र है, तो 58 जो है आपका सी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। 59 नंबर है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, तो 59 का डी हो जाएगा सिंगरौली। 60 है निम्नलिखित राज्यों में किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो 60 का हमारा सही जवाब जो है सी होगा असम। 61 है नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई, तो 61 का बी हो जाएगा 1991 में। 62 है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है, तो 62 का डी इनमें सभी होगा बाजार पूंजी और ऊर्जा। 63 है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, तो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी ना वो 1911 में। और 64 है निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे, तो इसका आपका हाजीपुर, ठीक है। 6 क्वेश्चंस नहीं पता है, इसमें से 35 ही करना है, आपके कितने सही हुए कमेंट में बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ना किए तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद जय भारत।